नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग ने शुक्रवार 5 मई को रिलीज हुई मूवी दी केरला स्टोरी का नारा प्रदर्शन कर विरोध प्रदर्शन किया है। आंदोलन अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वसीम खान के नेतृत्व में इंदौरा चौक जसवंत तुली मॉल के सामने किया गया। वसीम खान ने कहा कि हम आंदोलन के माध्यम से नागपुर के आम नागरिकों मूवी दी केरला स्टोरी को बायकॉट करने की अपील और सरकार को इस मूवी को बैन करने की चेतावनी दे रहे हैं। वसीम खान ने कहा कि यह मूवी नफरत फैलाने के लिए झूठ के आधार पर बनाई गई है। ऐसे नफरत फैलाने वाले डायरेक्टर और प्रोड्यूसर पर FIR दर्ज होनी चाहिए। साथ ही नागपुर के सिनेमा घरों को निकालने की चेतावनी भी दी गई है। इस मौके पर प्रमुख रूप से प्रदेश अल्पसंख्यक कांग्रेस के उपाध्यक्ष रमन कालवली, सचिव तजुद्दीन काजी, कांग्रेस उपाध्यक्ष राकेश निकोसे बाबू खान, आसिफ शेख, मोहित परखाड़े, सकी भाई, सितिश साखरे, अली खान, सरफराज खान, मोहम्मद रिजवान, फरदीन, ऋषभ गुप्ता, सप्पू, जिशान खान, शानू, जिशान कुरेशी, जावेद एवं अन्य उपस्थित थे। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।